फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में इतनी देर से उठे हों कि समझ ना आए कि बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करें या बच्चों को रेडी करें? उस टाइम हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसी कौन सी रेसिपी बनाई जाए जो जल्दी से बन जाएगी और बच्चों को पसंद भी आएगी? तो मेरी आज की रेसिपी बस उसी सिचुएशन का सॉल्यूशन है जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आटा गूंथ लूँगी और थोड़ी देर के लिए आटे को रख दूँगी। इससे आटे का डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ मैं चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि आटा थोड़ा मोटा है, बट चक्की के आटे की रोटी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी भी होती है। अब मैं एक प्याज और एक हरी मिर्च ले रही हूँ। प्याज और हरी मिर्च को एकदम हमें महीन महीन कट करना है। प्याज की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और हरी मिर्च को भी, अगर आपको आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को भी आप स्किप कर सकते हैं या एक की जगह आधा डाल सकते हैं। हरी मिर्च को अगर हम एकदम बारीक कट करके डालते हैं तो किसी भी रेसिपी की टेस्ट बढ़ भी जाती है और हमें ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो देखिए, मैंने प्याज को एकदम महीन कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी मैं बीच में चीरा लगा के एकदम महीन कट कर लूँगी, जिससे पता ही नहीं चलेगा हरी मिर्च है या नहीं। और उसके बाद मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता भी ले रही हूँ। धनिया पत्ता की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पत्ता डालने से और भी ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाएगा। धनिया पत्ता को भी एकदम महीन करके कट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ। पनीर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता जो हमने महीन कट करके रखा है वो डाल देंगे। उसके बाद कुछ ड्राई मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक भी स्वाद अनुसार डाल करके फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले और नमक का टेस्ट कहीं कम कहीं ज़्यादा ना आए। अब हम आटे की लोई थोड़ी बड़ी ही लेंगे, उसके बाद उसमें पनीर अच्छे से भरेंगे। जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ही ज़्यादा पराठे का टेस्ट आएगा। तो उसमें आटे की लोई हम थोड़ी बड़ी ही लेंगे और उसमें पनीर अच्छे से भर के पराठा बेल लेंगे। पनीर का पराठा बेलने टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, तो अगर स्टफिंग ज़्यादा भी भर देते हैं तब भी पराठा आराम से बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं कितना आराम से पराठा बना ले रही हूँ और बिल्कुल भी साइड से फट नहीं रहा है। फ्रेंड्स, पनीर का पराठा बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत जल्दबाजी में भी इसे आप तुरंत बना करके बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर आपके पास पनीर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बची हुई है, तो इसमें प्याज की मात्रा बढ़ा देने से तब भी पराठा अच्छा लगता है। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखिएगा। अब हम पराठा दोनों साइड से सेक लेंगे, उसके बाद घी अच्छे से लगा लेंगे। घी अगर हम पहले लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जिससे कि किचन भी गंदा होगा और घी भी पूरा उड़ जाएगा। अगर घी या ऑयल ज़्यादा आप नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बिना घी या तेल के भी पनीर पराठा अच्छा लगता है। पनीर का पराठा आप चटनी, दही या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पनीर का पराठा चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, सारे पराठे मेरे बन गए हैं। कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर इसमें डाल दे रही हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है ऊपर से बटर डालकर पराठा खाना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।